हेलो एवरीवन, दिस इज मावश जाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और आई होप कि आप जहां पे भी होंगे खुश होंगे। मैं आज जिस ड्रामे के ऊपर बात करना चाह रही हूं उसका नाम है घिसी पिटी मोहब्बत, और आज मैं घिसी पिटी मोहब्बत की लास्ट एपिसोड के बारे में बात करना चाहूंगी। जी, तो कहाँ से शुरू करें? हमने शुरू किया था ये सफर घिसी पिटी मोहब्बत का एक ऐसी कहानी के हवाले से कि एक लड़की है जिसको मोहब्बत होती है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट किरदार जो उसकी जिंदगी में आते हैं, उसकी बहन, उसकी ससुराल वाले, उसकी फैमिली वाले, उसकी ससुराल में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद जब उसकी वो शादी खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है, तो उसमें जो उसके ससुराल में कैरेक्टर्स होते हैं, फिर तीसरी शादी, और फिर फाइनली चौथी शादी का भी जो इरादा रखती है और जो नहीं हो पाती। तो ये एक कहानी ऐसी थी जिसमें मुझे लग रहा था कि अच्छा यार, अब किसी तरह हमें डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि कहानियां कभी कभी जब इतनी अच्छी होती हैं तो आपको लगता है कि यार, बिकॉज हम वो टीआरपी और पाकिस्तानी सीरियल्स और हमारे टीवी शो पे कैसे चीजें दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, तो उसमें हम कभी कभी फंस जाते हैं, और फिर राइटर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और वो कोई ऐसी चीज दिखा देता है जो कि ऑब्वियसली यू आर लाइक यार ये क्या है। मगर थैंकफुली घिसी पिटी मोहब्बत ने पूरे अपने सीरियल्स जो उसकी रही है पिछले 25-30 हफ्ते जो भी हमने उसको देखा, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और दैट सो ब्रेव ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, दैट सो ब्रेव ऑफ द चैनल, दैट सो ब्रेव ऑफ द राइटर, द डायरेक्टर, द एक्टर्स, कि उन्होंने कहीं भी इस कॉम्प्रोमाइज को नहीं लिया और उस चीज को उस तरह दिखाया जैसे उसको दिखाना चाहिए था, कहानी के साथ इंसाफ किया। सीरीज एंड होती इस तरह है कि रमशा खान का किरदार सामिया एक ऐसी लड़की है जिनकी तीन शादियां हो जाती हैं, तीनों नाकाम होती हैं, लेकिन फाइनली जब वो डिसाइड करती हैं कि भाई ये बहुत हो गया, ये कब तक करेंगे, जिंदगी में अगर कुछ करना है या आगे बढ़ना है तो अपने हिसाब से कुछ करने की जरूरत है। सो व्हाट्स फैंटास्टिक इज कि एक तो ये मैसेज बड़ा जबरदस्त है। मैसेज ये है कि जी, एक होता है जिंदगी में कहीं कहीं आपको समझौता करना पड़ता है, जैसा कि आपने सामिया के बहन के किरदार में देखा कि उनको अपने हस्बैंड से बहुत इश्यूज थे, क्या इश्यूज थे, उन्होंने कैसे उसको वर्क किया, चीजें बड़ी खराब हुई, ठीक हुई, फिर खराब हुई, फिर ठीक हुई, तो ये चीजें तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं, और कहीं कहीं आपको वाकई थोड़ा आपको गिव इन करना पड़ता है, थोड़ा दूसरे को गिव इन करना पड़ता है। ये तो होते हैं जी जिंदगी के कुछ तल्ख हकीकतों के जो शादी से रिलेटेड होते हैं या रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, बहन भाई हों। लेकिन एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब जबरदस्ती माशर आपको एक तरफ धकेल रहा हो और आपको पुश कर रहा हो कि ये ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही होगा, वरना आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे सोसाइटी में, वहां पे कुछ सवाल उठाने जरूरी हैं। और जो सामिया का किरदार है वो वही सवाल उठाता है कि भाई उसने अपनी पूरी कोशिश की, उसने अपनी पूरी जान लगाई, और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अब कोई मोहब्बत या जज्बा उसका नहीं है, लेकिन कब तक वो एक जबरदस्ती के रिश्तों में धकेले जा जाके जलील होती रहेगी। एंड दैट इज वॉट इज वंडरफुल अबाउट फसी बारी खान राइटिंग इज दैट ही डिड कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। आई विश कि थोड़ा और इस चीज को इन्हांस हो जाता लास्ट एपिसोड में, हम उसकी बहन का भी देखते या और भी चीजों को देखते, और भी एंगल्स से उस चीज को देखते, लेकिन दैट इज अ वेरी स्मॉल फ्लॉ, दैट इज अ वेरी छोटा सा मेरा क्रिटिसिज्म है। लेकिन इसके अलावा काफी वेल राउंडेड एपिसोड थी, बड़ा जबरदस्त किरदार था सामिया का, जो इस तरह वो लोगों से डील करती है। मैं बार बार कहती हूँ कि वो ऐसी लड़की लगती है जो हमारे जैसी है। लास्ट एपिसोड में हमने ये भी देखा कि कैसे वो अपनी एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश करती है और एक बिल्कुल छोटे से तरीके से वो स्टार्ट करती है और कैसे वो फलता है, फूलता है। सो इट्स अ वेरी लवली, यू नो, हैप्पी एंडिंग। बट अच्छी बात ये दिखाने की है कि हर हैप्पी एंडिंग वो नहीं होती जो हमें हर ड्रामे में दिखती है कि बस जी ऐसा हो गया और बस लड़की की शादी हो गई और उसने आंखों में आंखें डाल के उस फजूल किस्म के हीरो से देखा। तो अच्छा हीरो तो चलो मजा भी आए, जैसे हमारे पुराने पाकिस्तानी ड्रामों में होता था कि हीरो के लिए भी रूट करने का दिल जाता था। अब ड्रामों में ये हो गया है कि सिर्फ या तो लड़की के लिए दुख होता है और लड़के पे लानत भेजनी पड़ती है, या लड़का इतना अच्छा होता है और लड़की पे लानत भेजने की दिल करता है। तो ये इतने अजीबो गरीब किस्म के पोल्स बना दिए हमारे कुछ राइटर्स ने और कुछ ड्रामों ने कि वो मोल्ड तोड़ने का दिल करता है, और घिसी पिटी मोहब्बत ने वाकई वो मोल्ड तोड़ा है। सो हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम, हैट्स ऑफ टू द टीवी शो इटसेल्फ, बिकॉज ये एक बिल्कुल देखने से लायक टीवी शो है। जुमले, बातें, डायलॉग, स्टोरी, हर चीज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक टीवी शो नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस सारे पूरे सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप जाके देखिए। लवली शो, ग्रेट एक्टिंग, लव रमशा खान वर्क इन दिस टीवी शो, बहुत अच्छी डायरेक्शन भी है। अगेन थोड़े से अगर और स्टार्स होते, बड़े स्टार्स होते शो के अंदर, तो और मजा आता, ज्यादा हाइप क्रिएट होता। लेकिन बहरहाल जो भी है, जो भी बनाया है, जबरदस्त बनाया है। एंड आई थिंक इट शुड बी वन ऑफ दोज प्लेस जो कि आप 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी उसको सेलिब्रेट जरूर करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू. अपना बहुत ख्याल रखिए. ड्रामा पूरा यूट्यूब पर मौजूद है तो जरूर देखिए. इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं मुझे जरूर बताइए. और रिव्यू में अगर आपको कोई चीज मिसिंग लगी या आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए. मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ. और थैंक यू सो मच आपके पॉजिटिव फीडबैक का और आपके सारे जो भी आपका क्रिटिसिज्म आप भेज रहे हैं यूट्यूब पे वो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया.